आपसे ये डिज़ाइन शेयर करूँगी, ये डिज़ाइन दो रो का ही है और इसके लिए स्टिचेस चाहिए टू के मल्टीपल में। मैंने यहाँ पे 20 फंदे लिए हुए हैं। रो वन हम राइट साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। रो वन बनाना हम स्टार्ट करते हैं। रो वन में सबसे पहले हम दो फंदे को पीछे से बुन लेंगे। ये देखिए, पीछे से बुनने के बाद हम एक ही फंदा नीचे गिराएंगे और एक फंदा हम रहने ही देंगे यहाँ पे। फिर हम इसको मिला करके फिर दोनों को पीछे से बुन लेंगे और फिर एक को गिरा देंगे, एक रहने ही देंगे हम। फिर इस दोनों को एक साथ पीछे से बुन लेंगे और एक फंदा हम रहने देंगे। फिर हम इस दोनों को एक साथ बुन लेंगे पीछे से और फिर हम एक ही फंदे को गिरा लेंगे। एंड तक हमें ऐसे ही रिपीट करते जाना होगा। इस डिज़ाइन को आप थोड़ा ढीला बुने तो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा बनेगा। उसके बाद हम एक को गिरा देंगे। रो वन के लास्ट में हमारे पास दो फंदे बच गए हैं तो उसे हम वैसे ही बुन लेंगे। एंड में भी सेम ही तरीके से हमें बुनना होगा और लास्ट के एक फंदे को हम फिर बुन लेंगे सीधा ही पीछे से। और रो वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम रो टू में आ गए हैं। रो टू में हमें उल्टे ही बुनना होगा लेकिन दो फंदे को एक साथ बुनना होगा। और फिर अगेन हम वैसे ही करेंगे, हम एक ही फंदे को इसमें से नीचे की तरफ गिरा देंगे और फिर इस दो फंदे को एक साथ हम बुन लेंगे उल्टा ही। फिर हम एक फंदे को गिरा देंगे। रो टू में भी हमें एंड तक ऐसे ही रिपीट करना होगा। दो फंदे को एक साथ हम बुन लेंगे लेकिन दोनों को एक साथ हमें गिराना नहीं है। रो टू के लास्ट में हमारे पास दो फंदे बच गए हैं इसमें से हम दो फंदे को उल्टा बुन लेंगे और फिर एक फंदा हम गिरा देंगे और फिर बचे हुए एक फंदे को वापस से हम बुन लेंगे। और डिज़ाइन देखिए, ये पीछे से भी बिल्कुल अच्छा ही दिख रहा है। और ये हमारा राइट साइड है, ये देखिए। रो वन टू टू आपको रिपीट करना होगा इस डिज़ाइन के लिए। और ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, ये देखिए। और आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। रो वन टू टू अगेन एंड अगेन आपको रिपीट करना होगा।